मैंने आपसे पूछा था कि नेक्स्ट वीडियो में क्या बनाऊं, और उसी के नीचे आपने पावर बैंक लिख के कमेंट किया। तो आज हम पावर बैंक मॉड्यूल के ऊपर ही वीडियो बनाने वाले हैं। तो आज हम देखने वाले हैं कि कौन सा पावर बैंक मॉड्यूल आपको लेना चाहिए या कौन सा पावर बैंक मॉड्यूल अच्छा है। तो मेरे पास रखा हुआ है कुछ 5 पावर बैंक के मॉड्यूल और एक साइड में एक बैटरी है। और सबसे पहले मैं आपको ये वाला पावर बैंक मॉड्यूल दिखाना चाहता हूँ। ये पावर बैंक मॉड्यूल आपने कहीं भी देखा होगा। ये जो पावर बैंक मॉड्यूल है ये बहुत पॉपुलर है और कहते हैं कि ये फास्ट चार्ज करता है मोबाइल को। लेकिन मैंने भी इसे ख़रीद लिया फ्लिपकार्ट से वो 350 रुपये में। फिर मैंने जब इसे मोबाइल पे लगा के कनेक्ट किया तो ये 10 वॉट पे ही चार्ज कर रहा है मोबाइल को। इसमें मुझे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये लगी कि ये चार्ज तो करता है 10 वॉट पे मोबाइल को, लेकिन ये खुद चार्ज होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा लेता है। अगर आप इसमें 10,000 mAh की कोई बैटरी लगाओगे और उसे आप 0 से फुल चार्ज करोगे तो वो आपका सारा दिन निकल जाएगा, फिर भी आपका बैटरी चार्ज नहीं होगा फुल। यही इसकी मेन दिक्कत है। मेरे पास एक और पावर बैंक मॉड्यूल है जिसमें 3 पोर्ट है, एक बटन है और 4 LED इंडिकेशन है। इसमें एक टॉर्च का भी ऑप्शन आ जाता है। इसके साथ मुझे एक कवर मॉड्यूल और बटन मिला था जो कि मैंने फ्लिपकार्ट से परचेस किया था 250 रुपये में, और ये भी सेम 10 वॉट पे ही चार्ज करता है मोबाइल को, बट इसमें कोई डिस्प्ले नहीं है। और ये है सबसे सस्ता पावर बैंक मॉड्यूल। आपको इसमें USB पोर्ट नहीं दिख रहा होगा क्योंकि मैंने इसे किसी और प्रोजेक्ट के लिए निकाल लिया है, लेकिन ये पूरी फुल्ली वर्किंग कंडीशन में है। और इसका प्राइस मुझे 59 रुपये में मिला है, 60 रुपये में मिला है मुझे ये पावर बैंक। मैं आपको इसे ऑन कर भी दिखाता हूँ। देख सकते हो मैंने इस पर बैटरी सोल्डरिंग कर दी है, और अब मैं इसका बटन दबाऊँगा तो देखो ये इसका LED इंडिकेशन चालू हो जाएगा। मेरा जो ये बैटरी है थोड़ा डाउन है इसलिए एक ही लाइट दिखा रहा है। और ये जो पावर बैंक मॉड्यूल है ये इसकी प्राइस के हिसाब से ठीक है। ये 7-8 वॉट पे मोबाइल को चार्ज करता है और ये खुद भी चार्ज होता है 5 वॉट पे, मतलब ये बहुत ज़्यादा टाइम ले लेता है चार्ज होने में और चार्ज करने में भी। इसकी आउटपुट रेटिंग है 5V 1 A। और ये है मेरे पास एक और दूसरा वाला पावर बैंक मॉड्यूल जिससे आपने मेरे शॉर्ट वीडियो पे देखा होगा। मैंने इसे एक पावर बैंक के अंदर से निकाला है और ये भी 10 वॉट पे ही मोबाइल को चार्ज करता है। हालांकि डिस्क्रिप्शन में लिखा था 22 वॉट पे चार्ज करेगा, लेकिन ये 22 वॉट नहीं 10 वॉट पे ही चार्ज कर रहा था मोबाइल को मैंने जब इसे चेक किया। और मेरे पास एक और पावर बैंक मॉड्यूल है, और ये जो मॉड्यूल है ये मेरा सबसे फेवरेट पावर बैंक मॉड्यूल है क्योंकि ये फास्ट चार्जिंग भी करता है और ये फास्ट चार्जिंग के साथ अपनी बैटरी को भी चार्ज करता है। ये मोबाइल को चार्ज करता है 15 वॉट पे और ये खुद की बैटरी को भी 10 वॉट पे ही चार्ज करता है, मतलब 5V 2 A पे ये बैटरी को चार्ज करता है। इसकी बैटरी को चार्ज करने में लगभग 5 घंटे लग जाते हैं, लेकिन ये अच्छी तरह से बैटरी को चार्ज करता है। मैं आपको इसमें बैटरी लगा कर दिखाता हूँ ये कैसे वर्क करता है। तो हमारा बैटरी लग चुका है, अब मैं इसका बटन दबाने जा रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं बीच में एक LED नहीं जल रहा है, वो ख़राब हो चुका है, लेकिन ये जो बाकी के जो इंडिकेशन LED है वो फुल्ली वर्क कर रहा है। ये बहुत पुराना मॉड्यूल है और इसको मैंने एक पावर बैंक के मॉड्यूल्स पावर बैंक के अंदर से निकाला है। Xiaomi का एक पावर बैंक आता है उसके अंदर से इसे निकाला है मैंने। वो पावर बैंक मुझे 1800 रुपये में मिला था और वो उसकी बैटरी फुल गई थी, तो मैंने इसका मॉड्यूल निकाल लिया और तब से मैं इस पावर बैंक मॉड्यूल को यूज़ कर रहा हूँ अपनी बैटरी को चार्ज करने के लिए और दूसरे फ़ोन को भी चार्ज करने के लिए। मैंने एक फ़ोन ले लिया है इसे चेक करने के लिए, देख सकते हैं। तो देख सकते हैं ये चार्जिंग दिखा रहा है। तो आप कंक्लूजन की बारी ये है कि आपको कौन सा पावर बैंक मॉड्यूल लेना चाहिए। तो पावर बैंक मॉड्यूल लेने से पहले आप पहले देख लें कि उसका जो इंडक्टर कॉयल है वो कितना बड़ा है। जितना बड़ा इंडक्टर कॉयल होगा उतना ही ज़्यादा एम्पियर देगा। यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ इंडक्टर कॉयल कैसे दिखता है। ये है इसका इंडक्टर कॉयल, ये जितना बड़ा होगा उतना ही ज़्यादा एम्पियर देगा। और इस मॉड्यूल में देखिए इसमें का इंडक्टर कॉयल कितना छोटा है, इसलिए ये 1 A करंट देता है। अगर आप मेरी राय पूछना चाहोगे कि मैं कौन सा पावर बैंक मॉड्यूल यूज़ करूं और आपको भी कौन सा बताऊं, तो मैं आपको सीधा सीधा आंसर बताऊंगी कि आप जो ब्रांड की तरफ से जो पावर बैंक आता है उसके अंदर जो मॉड्यूल होते हैं उसका आप यूज़ करो पावर बैंक ख़राब होने के बाद। ऐसा नहीं कि आप नया पावर बैंक खरीद लाओ उसको तोड़ के मॉड्यूल बाहर निकालो, उसके ख़राब होने के बाद उस मॉड्यूल को निकालो, क्योंकि वो जो मॉड्यूल होता है क्योंकि वो 10,000 mAh या 20,000 mAh बैटरी के लिए हिसाब से ही बना हुआ होता है। और ये जो मार्केट में जो पावर बैंक मॉड्यूल मिलता है उनको मालूम नहीं होता है कि आप कितने एमएच की बैटरी लगाओगे, इसलिए वो 15,000 mAh या कुछ ऐसे काम करके उनका लिमिट सेट करके रखते हैं और वो आपका मोबाइल को अच्छे से चार्ज नहीं कर सकते और वो खुद भी अच्छे से चार्ज होने में इतना टाइम लगा देते हैं। अगर आप कोई ब्रांड की तरफ से पावर बैंक लोगे और उसका मॉड्यूल निकाल के अगर आप अपनी बैटरी को चार्ज करोगे तो आपकी बैटरी जल्दी चार्ज होगा और प्रोटेक्शन के साथ चार्ज होगा।
मतलब ओवरचार्ज का भी कोई इशू नहीं है। हालांकि ये ओवरचार्ज का इशू दूसरे मॉड्यूल पे भी नहीं है, लेकिन फिर भी फास्ट चार्जिंग मिलेगा आपको। ब्रांड वाले मॉड्यूल में फ़र्क इतना ही है कि वो आपकी जो लिथियम आयन बैटरी है जो आप उस मॉड्यूल के साथ कनेक्ट करोगे वो बैटरी जल्दी चार्ज होगा, मतलब वो 15, 18, 20 वाट पे आपको आपका जो बैटरी है उसको चार्ज करता है, मतलब फास्ट चार्जिंग देता है। और मार्केट से आने वाला जो मॉड्यूल होता है वो फास्ट चार्जिंग सपोर्ट नहीं करता, वो सिर्फ एक ही सपोर्ट करता है, 5 वोल्ट 1 एम्पियर मतलब 10 वाट की चार्जिंग देता है। और 10,000 एमएच बैटरी के लिए 10 वाट चार्जिंग बहुत ज़्यादा कम है, तो मैं इसीलिए अपना बैटरी को चार्ज करने के लिए मैं ब्रांड की तरफ से आने वाला जो मॉड्यूल होता है उनको ही यूज़ करता हूँ।